एवरीवन, वेलकम टू आवर उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी टेस्ट सीरीज को, जो कि उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और सारे स्टेट एग्रीकल्चर बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो लेट स्टार्ट आवर टेस्ट सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। ऑप्शंस हमारे पास हैं देहरादून, हैदराबाद, करनाल एंड जयपुर। द करेक्ट आंसर इज करनाल। अब करनाल कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन हरियाणा। ऑलराइट, और जो सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कब डेवलप हुआ था? वो डेवलप हुआ था आपके 1969 में। एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं कि जो ये सॉइल सैलिनिटी है, इसका मतलब क्या होता है? इट मींस द सॉल्ट कंटेंट इन सॉइल। कितना सॉल्ट कंटेंट है सॉइल में, ये बताता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रिप्स आर मेजर इंसेक्ट्स ऑफ विच वेजिटेबल। ऑप्शंस हमारे पास है ब्रिंजल, कैबेज, अनियन, ओकरा। द करेक्ट आंसर इज अनियन, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्किंग वर्ड इज रिलेटेड टू। ऑप्शंस हमारे पास है रेडिश, स्वीट पोटैटो, लेडी फिंगर एंड टोमेटो। द करेक्ट आंसर इज रेडिश। अब फोर्किंग में क्या होता है? ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो भी रूट क्रॉप्स होती हैं उनमें होता है, जनरली रेडिश और कैरेट में पाया जाता है। इसमें जो रूट्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका अपीरियंस नॉर्मल अपीरियंस से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम ये कब लॉन्च हुई थी? ऑप्शंस हमारे पास हैं 2004, 2002, 2000 एंड 1998। द करेक्ट आंसर इज 1998। अब जो ये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, ये किसने प्रिपेयर की थी? इट वाज प्रिपेयर्ड बाय नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नाबार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिट्रस कैंकर डिजीज इज कॉज्ड बाय। ऑप्शंस हमारे पास हैं ज़ैंथोमोनास सिट्राई, स्यूडोमोनास एग्रोबैक्टीरियम एंड इरविनिया। द करेक्ट आंसर इज ज़ैंथोमोनास सिट्राई। ठीक है, अब सिट्रस कैंकर में क्या होता है? सिट्रस कैंकर में जो भी सिट्रस की लीव्स होती हैं, उसके अपर और लोअर सरफेस पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करनाल बंट इज अ डेजिग्नेटेड सीड बॉर्न डिजीज ऑफ। ऑप्शंस हमारे पास हैं पैडी, पल्सिस, वीट एंड मस्टर्ड। द करेक्ट आंसर इज वीट। अब ये जो करनाल बंट होता है वो कौन कॉज करता है? इट इज कॉज्ड बाय फंगस, इट इज कॉज्ड बाय फंगस। और इसमें जो ग्रेन्स होते हैं ना, वीट ग्रेन्स होते हैं, इनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है और इनकी क्वालिटी भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉल्स स्मट डिजीज इन्फेक्ट्स विच क्रॉप। ऑप्शंस हमारे पास हैं वीट, पैडी, लेंटिल एंड मस्टर्ड। द करेक्ट आंसर इज पैडी। अब जो फॉल्स स्मट है वो भी कौन कॉज करता है? फंगस। ठीक है, और हम फॉल्स स्मट को मोस्ट डिवास्टेटिंग राइस फंगल डिजीज भी बोलते हैं, इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इन गुआवा इज। ऑप्शंस हमारे पास है इनार्चिंग, स्टूलिंग, एयर लेयरिंग एंड नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज स्टूलिंग। अब ये स्टूलिंग में होता क्या है कि जो भी गुआवा के नए शूट्स होते हैं, हम उनके ऊपर मिट्टी चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उसमें से रूट्स डेवलप होती है, फिर बाद में उसे कट करके सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से प्रोपोगेशन होता है गुआवा में, और स्टूलिंग एक और क्रॉप की प्रोपोगेशन मेथड है। ठीक है, वो किसका है? एप्पल में भी स्टूलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लावर प्रिजर्वेटिव। ऑप्शंस हमारे पास है HgCl2, फिर है KMnO3, फिर थर्ड ऑप्शन है KNO3, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट, फिर नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि KNO3 है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, कैट फेस इज अ डिसऑर्डर ऑफ। ऑप्शंस हमारे पास है चायोटे, पॉइंटेड गार्ड, टोमेटो एंड कॉलीफ्लावर। द करेक्ट आंसर इज टोमेटो। ऑलराइट, अब जो कैट फेस होता है वो किस वजह से होता है? जो भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होती हैं, और अगर टोमेटो की कुछ लीव्स को थ्रिप्स ने डैमेज किया है तब भी कैट फेस हो जाता है। ठीक है, नाउ हेयर वी एंड आर
टेस्ट सीरीज। आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जब भी नेक्स्ट सीरीज आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप गूगल प्ले से आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलराइट, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।